क्या वजह है कि खंडवा के पास स्थित प्रसिद्ध सैलानी टापू हनुवंतिया को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। बात सच भी है क्योंकि यहाँ जो भी आता है वो विशाल जल सागर को देखकर अचंभित रह जाता है। निगाह जहाँ तक जाती है वहाँ तक पानी ही पानी दिखाई देता है। हनुवंतिया में आकर व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो स्विट्जरलैंड के किसी सैलानी टापू पर आ गया है। विशाल जलधाराएं जब हवा के साथ चलकर तट से टकराती हैं तो समुद्र के पास आने जैसा एहसास होता है। सबसे पहले देखें कि इस टापू का नाम हनुवंतिया कैसे रखा गया। बताया जाता है कि मंदसौर के पास एक गांव है जिसका नाम हनुवंतिया है, उसी की तर्ज पर यह नाम रख दिया गया। इंदिरा सागर बांध के निर्माण के बाद जब विशाल झील का निर्माण हुआ तो उसके बैक वाटर में हनुवंतिया नामक सैलानी टापू की स्थापना की गई। यही नहीं, बैक वाटर में बना हुआ यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला सैलानी टापू कहलाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने पर्यटन की दृष्टि से बैक वाटर के किनारे टापू का आवास, भोजन, नौका विहार, क्रूज राइड के साथ ही अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। जहां पर पर्यटन विभाग द्वारा 10 कॉटेज बनाए गए हैं, इसके अलावा एक क्रूज और एक मोटर बोट पर यहाँ सैलानी को घूमने के लिए रखे गए हैं। बोट क्लब पर रेस्टोरेंट भी बनाया गया है। इसके साथ ही यहाँ वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है जहाँ पर जल महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिरकत की। बताया जाता है कि 60 सीटर क्रूज में 45 मिनट तक जलाशय की सैर कराई जाती है। इसमें कोई दो मत नहीं कि इंदौर से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये प्राकृतिक सैलानी टापू बहुत कम समय में पूरे देश में लोकप्रिय हो गया है। हनुवंतिया ऐसा स्थान भी है जहां पास में ही संत सिंगाजी का समाधि स्थल है जो धर्म प्रेमी जनता के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।